नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के बीच कई दिनों से हालात नाजुक बने हुए हैं और रसिया ने अब जंग भी छेड़ दी है। लेकिन दोस्तों, ऐसे क्या हालात बन गए कि रसिया और यूक्रेन के बीच जंग छेड़नी पड़ी? क्या रसिया यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है या फिर रसिया यूक्रेन के सभी गैस और पेट्रोलियम क्षेत्रों को हथियाना चाहता है? पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों, ये बात है 1991 की, जब यूएसएसआर का विघटन 15 देशों में हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा देश रसिया बना। बाकी 14 छोटे छोटे देश बने, जिसमें बेलारूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान आदि देश बने। और इसमें रसिया की यूक्रेन के साथ जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि रसिया को लगता है यूक्रेन में जो गैस भंडार हैं, यूरोप उन पर कब्जा कर लेगा। इसी के चलते रसिया ने 2008 में जॉर्जिया के कुछ हिस्सों पर और 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिस पर काफी विवाद हुआ। और फिर G8 से G7 बना, जिसमें G8 से रसिया को निकाल दिया गया। लेकिन अभी रसिया ने डोनबास रीजन पर कब्जा कर लिया है, जिसमें दो जगह डोनास्क और लोहनास्क हैं। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जब रसिया ने डोनबास रीजन पर कब्जा किया तो वहाँ के लोगों ने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों, वहाँ के लोग रसिया के रहने वाले हैं और वो चाहते हैं यह जगह भी रसिया में मिल जाए। और यहाँ के रहने वाले लोगों को रशियन सेपरेस्ट कहते हैं। ये जंग छिड़ी हुई है यूक्रेन की आर्मी और रशियन सेपरेस्ट के बीच। अब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस कह रहा है डोनास्क और लोहनास्क के लोगों को रसिया भड़का रहा है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या है इस जगह पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस के भंडार और कुएं हैं, जहाँ से दुनिया के कई देशों में गैस और पेट्रोलियम की सप्लाई की जाती है। वहीं यूक्रेन के लोग कह रहे हैं, रूस कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, हम ऐसे हाथ खड़े करने वाले नहीं हैं। रूस ने अपने सैनिकों और हथियारों को यूक्रेन और रसिया के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है, लेकिन यूक्रेन भी ऐसे हार मानने वाला नहीं है। उसके पास आर्मी कम है, इसीलिए यूक्रेन वासियों को जंग के लिए ट्रेन किया जा रहा है। लेकिन रसिया ने 24 फरवरी को जंग का ऐलान कर दिया। इस पूरे विवाद की जड़ डोनास्क और लोहनास्क को रूस कई तरीकों से मदद करता आ रहा है। रसिया ने सेपरेस्ट कंट्री को अपनी आर्मी प्रोवाइड की है, पैंडेमिक के दौरान फाइनेंशियल सपोर्ट और वैक्सीन भी प्रोवाइड की है। यहाँ के रहने वाले 8 लाख लोगों को रसिया की तरफ से रशियन पासपोर्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं। पुतिन ने कहा है कि हम डोनास्क और लोहनास्क को इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं। After a day of lashing out at NATO, Putin made an explosive announcement on state television. I think it is necessary to make a long overdue decision to immediately recognize the independence and sovereignty of the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic. और पुतिन ने अपनी आर्मी इन देशों को भेज दी है। अगर यह वार हुआ तो यूक्रेन ही नहीं, कई देश भी इस वार की चपेट में आ जाएंगे। यूक्रेन के 50,000 से भी ज्यादा सिविलियंस मारे जा सकते हैं, हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ जाएंगे। यूक्रेन देश की हालत ऐसी हो जाएगी जैसी इस समय सीरिया की है। वहीं रसिया ने धमकी दी है, अगर किसी भी देश ने इस वार में इंटरफेस किया तो हम उस पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। अगर इस वार को रोकना है तो रसिया को इकोनॉमिकली आइसोलेट किया जाए और रसिया की अर्थव्यवस्था पर हमला किया जाए। US, यूरोप, कनाडा, जापान, कई देशों ने रसिया पर इकोनॉमिकली इन्वेस्ट किए हैं और कहा है रसिया ने और कोई कदम उठाया तो और भी इन्वेस्ट किए जाएंगे। इकोनॉमिक हमला रसिया के बिलियनियर्स पर किया गया है। अगर यह वार हुआ तो क्या असर पड़ेगा इंडिया पर? दोस्तों, आपको बता दें, इंडिया सरकार का इमीडिएट कंसर्न है यूक्रेन में रहने वाले इंडियंस का वहां से निकलना, और इंडिया के गवर्नमेंट ने यूक्रेन के इंडियंस को निकाल भी लिया है। यूक्रेन में अप्रॉक्स 25,000 इंडियंस थे, जिसमें 20,000 स्टूडेंट्स थे। इंडिया को सबसे ज्यादा असर इकोनॉमिकली पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट की लेटेस्ट सर्वे से एस्टिमेट किया गया था कि इस साल पेट्रोल की प्राइस $65 से $70 प्रति बैरल होगी। अगर ऑयल सप्लाई की बात की जाए तो रसिया दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूस करने वाला देश है। रसिया से ऑलमोस्ट 13% क्रूड ऑयल आता है। ये हालत और भी खराब हो सकती है अगर US और यूरोपियन गवर्नमेंट ने रसिया पर सेंसेक्शन लगा दिया और सप्लाई कम हुई तो प्राइजेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे। इसका इंडिया पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। इंडिया रसिया पर आर्म डिपेंडेंट है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 तक 50% तक हथियार रसिया से इंपोर्ट किए गए हैं, और आज इंडिया में 50 से 80% इक्विपमेंट रसिया से ही मंगाए गए हैं। इससे साबित होता है अगर इंडिया किसी की हेल्प करता है तो इंडिया रसिया की ही करेगा। लेकिन वही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर इंडिया के प्रधानमंत्री से हेल्प मांगी है। नरेंद्र मोदी चिंता में पड़ गए हैं। अब देखते हैं PM किसकी हेल्प करते हैं। अगर दोस्तों युद्ध हुआ तो पूरे के पूरे देश वीरान हो जाएंगे, न जाने कितनी जाने जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ होंगे, हर घर में लाशें पड़ी होंगी। इसीलिए दोस्तों, जितना हो सके युद्ध को टाला जाए तो ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली वैल्यूएबल वीडियोस आपके नॉलेज को इम्प्रूव कर सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उन्हें भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो।
आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियोस भी चेकआउट करने चाहिए।